कर दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाला एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार राधा के ऊपर फैन गिर पड़ता है और फैन को गिराने वाली कोई और नहीं है दोस्तों, बल्कि आप लोग जानते हैं कि फैन को जो पूरी तरीका से गिराया था वो दामिनी की एक अच्छी खासी साजिश थी, क्योंकि दामिनी ने पहले ही बोल दिया था कि जो मैं चाहूँगी घर में वो ही होगा। और वाकई में दोस्तों हुआ भी बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि दामिनी चाहती थी कि किसी भी तरीका से चोट लगे, और वाकई में दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा जो चोट लगी है वो किसी और को नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा इस समय चोट लगी है राधा को। क्योंकि राधा को तो एक तरीका से मारने का प्लान था, क्योंकि पहले कुर्सी को तोड़ा था दामिनी ने और उसके बाद में पंखे को निकलवा दिया था, ताकि जैसे ही पंखा चले उसके बाद में तुरंत ही ख़त्म हो जाए हमेशा हमेशा के लिए राधा का पत्ता। आप लोग जानते ही हैं कि राधा का पत्ता ख़त्म करने के लिए कितना ज़्यादा व्याकुल है इस समय आखिरकार दामिनी, और दामिनी की इन हरकतों को अब लगातार जो नज़र बनी हुई है वो किसी और की नहीं, बल्कि लगातार इस चीज़ पर पूरी तरीका से फोकस बनाए हुए है आखिरकार मोहन की माँ। जी हाँ, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जब चाहे जैसे चाहे ऐसे चोट लग सकती है आखिरकार, क्योंकि आप लोग जानते हैं और ये भी सभी लोग जानते हैं कि इस समय कुछ भी कर सकती है दामिनी। दामिनी एक ऐसी शख्सियत हैं जो दूसरे को गिराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और वो ही चीज़ होती हुई नज़र आ रही है दोस्तों इस समय। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक और नया ट्विस्ट लेकर आ रही है, जिसमें हम बात की जाए इस वक्त मोहन की, तो मोहन एक्सपोज करते हुए नजर आएंगे दामिनी को कि दामिनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राधा को मारने की। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा।